अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसी चैनल अयूब और मैं हूं आपका होस्ट अयूब खान। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आरसी ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स को कंट्रोल किया जाता है। आमतौर पर टॉय ग्रेड कंट्रोलर्स सेम होते हैं, इनकी स्टिक मूवमेंट और इनके ट्रिम सेटिंग बटन्स तकरीबन सब के फंक्शन सेम होते हैं। सो आज हमारे पास ये मिनी ड्रोन है, इसके भी आप चेक कीजिए कि ये ट्रिम सेटिंग के बटन और इसके जो मेन कंट्रोलर्स हैं ये सेम हैं। सो लेफ्ट साइड पर यह थ्रटल स्टिक है जिसको ऊपर नीचे करने से आपका ड्रोन ऊपर नीचे फ्लाई करता है। आप पहले थोड़ी सी इसकी कंट्रोलर्स और इसकी सेटिंग के मुतालिक सीख लीजिए, उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल फ्लाइंग करते हैं। इस स्टिक को लेफ्ट और राइट करने से आपका ड्रोन लेफ्ट और राइट टर्न करता है। और जो राइट स्टिक है इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड करने से आपका ड्रोन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करता है। और इसको लेफ्ट और राइट करने से लेफ्ट राइट टिल्ट करता है, यानी साइड वाइज फ्लाइंग। सो ये इसके चार कंट्रोलर्स हैं। इसके अलावा अगर आपका ड्रोन फॉरवर्ड आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मूव कर रहा है तो आप रिवर्स ट्रिम बटन को प्रेस कीजिए तो ये अपनी जगह पर स्टेबल हो जाएगा। और अगर आपका ड्रोन आपकी तरफ मूव कर रहा है तो आप फॉरवर्ड ट्रिम बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका ड्रोन लेफ्ट मूव करता है लगातार तो आप राइट ट्रिम बटन को प्रेस करेंगे, और अगर राइट मूव कर रहा है तो आप लेफ्ट ट्रिम बटन को प्रेस करेंगे। अगर आपका ड्रोन तिरछा मूव कर रहा है, यानी फॉरवर्ड और लेफ्ट मूव कर रहा है, तो आप रिवर्स और राइट ट्रिम बटन को प्रेस करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। और अगर आपका ड्रोन फॉरवर्ड और राइट मूव कर रहा है तो आप रिवर्स और लेफ्ट ट्रिम बटन को प्रेस करेंगे। अगर आपका ड्रोन रिवर्स और राइट मूव कर रहा है तो आप फॉरवर्ड और लेफ्ट ट्रिम बटन को प्रेस करेंगे। और अगर आपका ड्रोन रिवर्स और लेफ्ट मूव कर रहा है तो आप फॉरवर्ड और राइट ट्रिम बटन को प्रेस करेंगे। और 360 रोल करने के लिए आप फ्लिप बटन को दबाएंगे और स्टिक को राइट करेंगे तो राइट की तरफ ड्रोन रोल करेगा, और बटन को दोबारा प्रेस करके आप स्टिक को लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की तरफ रोल करेगा, और प्रेस करने के बाद फॉरवर्ड करेंगे तो आगे की तरफ रोल करेगा, और इसको प्रेस करके आप रिवर्स करेंगे तो रिवर्स की तरफ रोल करेगा। और लेफ्ट साइड पर ये इसकी स्पीड का बटन है। डबल बीप पर इसकी स्पीड मीडियम होती है, ट्रिपल बीप पर फास्ट होती है, और सिंगल बीप पर इसकी स्पीड स्लो होती है। सो पहले अपने ड्रोन को कनेक्ट कीजिए बैटरी के साथ और उसके बाद कंट्रोलर को ऑन कीजिए। थ्रटल स्टिक को फुल ऊपर और फुल नीचे कीजिए तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका टेक ऑफ करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। अभी आप चेक कीजिए कि हमारा ड्रोन लेफ्ट साइड पर ज़्यादा मूव कर रहा है। सो हम राइट ट्रिम बटन को प्रेस करते हैं और अभी ये तकरीबन स्टेबल हो चुका है। और राइट स्टिक को आप लेफ्ट राइट कीजिए तो ये लेफ्ट राइट मूव करेगा, उसी तरीके से साइड वाइज फ्लाइंग करेगा, और ये लेफ्ट टर्न। और ये राइट रोल, लेफ्ट रोल, रिवर्स रोल, फॉरवर्ड रोल। और बेहतर कंट्रोल्स के लिए आप स्टिक्स को आहिस्ता मूव कीजिए, स्लोली मूव करेंगे तो आपका ड्रोन आहिस्ता आहिस्ता उस तरीके से टर्न करेगा और मूव करेगा। अगर आप स्टिक को एकदम फॉरवर्ड बैकवर्ड रिवर्स लेफ्ट राइट करते हैं तो आपका ड्रोन झटके से उसी तरफ मूव करेगा। सो इसका जो बेहतर तरीका है ये यही है कि आप स्टिक्स को बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से मूव कीजिए।
और इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए आप लगातार इसको फ्लाई मत कीजिए, थोड़ा सा इसको रेस्ट दीजिए, उसके बाद दोबारा फ्लाई कीजिए। इससे बैटरी की लाइफ बेहतर होती है और मोटर्स की लाइफ भी बेहतर होती है। और राइट स्टिक के कंट्रोल्स आमतौर पर उल्टे हो जाते हैं जब इसका हेड आपकी तरफ हो। आप इसको फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपकी तरफ मूव करेगा, रिवर्स करेंगे दूसरी तरफ मूव करेगा, राइट करेंगे लेफ्ट होगा, लेफ्ट करेंगे तो राइट की तरफ मूव करेगा। सो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जब हेड इसका आपकी तरफ हो, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और डबल पी इसका मतलब है मीडियम स्पीड। अब आप इसकी स्पीड चेक कीजिए। और ट्रिपल बीप यानी फास्ट स्पीड। अब आप इसको थोड़ा सा मूव करते हैं तो ड्रोन आपका तेज़ी से मूव होता है, फॉरवर्ड रिवर्स लेफ्ट राइट। और इसकी रोटेशन की स्पीड चेक कीजिए, लेफ्ट रोटेट और ये राइट रोटेट। और सिंगल बीप का मतलब है स्लो स्पीड। अब ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। और कुछ लोग बैटरी आमतौर पर बड़े साइज़ की यूज़ करते हैं ताकि उसका फ्लाइंग टाइम ज़्यादा हो जाए। आमतौर पर कंपनीज जो हैं ये बिल्कुल नाप तोल करके बैटरी इसमें लगाती हैं। सो जब आप 200 मिली एम्पीयर की जगह 400 मिली एम्पीयर बैटरी लगा देते हैं तो ड्रोन उसको अच्छे तरीके से उठा नहीं पाता और उस तरीके से फ्लाई नहीं करता है। सो आप कोशिश कीजिए, अगर आपके ड्रोन में तकरीबन 200 मिली एम्पीयर बैटरी है तो आप उसमें 250 मिली एम्पीयर लगा सकते हैं, 260 मिली एम्पीयर लगा सकते हैं। लेकिन 200 की जगह जब आप 400 मिली एम्पीयर बैटरी लगाएंगे तो उसका बिहेव थोड़ा सा गलत हो जाएगा, उस तरीके से बैटरी को उठा नहीं सकेगा। और हेडलेस मोड क्या होता है और वन की रिटर्न किस तरह से वर्क करता है, इसके लिए अलग-अलग से वीडियोस मौजूद हैं। इन वीडियोस के एंड पर आप एंड स्क्रीन वीडियोस को फॉलो कीजिए, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको मिल जाएंगी वहाँ से। और लाइट्स ब्लिंक होने का मतलब ये है कि इसकी बैटरी वीक हो चुकी है। आप अपने ड्रोन को ज़्यादा दूर मत लेकर जाइए और जब लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाए तो उसके एक मिनट के अंदर आप ड्रोन को लैंड कर लीजिए। अगर एक मिनट के अंदर आप लैंड नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका ड्रोन गिर जाए या क्रैश हो जाए। सो हम थ्रटल को रिड्यूस करते हैं और इसको पॉइंट पर लाते हुए लैंड करते हैं। सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।